हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तब भी आप बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि मुझे कई लोगों ने बोला है कि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती है, तो शायद यही कारण होगा। तो आप प्लीज ये काम कर दीजिए। और अब बात करते हैं आज के वीडियो की। आज का वीडियो मैं बना रही हूँ, ये भी एक तरह से मोस्ट डिमांडेड वीडियो है, क्योंकि बहुत लोग मुझे ये पूछ चुके हैं कि आप ऐसे हेल्दी एंड फिट कैसे रहते हो। तो सबसे बड़ा जो हेल्दी एंड फिट रहने का मेरा जो मंत्र है वो है ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी हैप्पी। हर चीज में आप कुछ अच्छाई देखो, ये पहला काम है। अगर ऐसा होता है तो आपके जो हैप्पी हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं और आप हमेशा खुश रहते हो। दूसरा है अपनी डाइट पर ध्यान दो। अब गर्मियां चल रही हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है, ऐसी गर्मी में कुछ खाया नहीं जाता है। लेकिन ये सोच के कि गर्मी में खाया नहीं जाता है, अगर हम कुछ चीजों को छोड़ देते हैं तो वो हमें नुकसान करता है, हमारी एनर्जी लूज होती है। तो मैंने कुछ ऐसा तरीका ढूंढा हुआ है अपने लिए कि मैं सारे न्यूट्रिएंट्स खाऊं और मुझे गर्मी में परेशानी भी नहीं हो। तो मैं आपको दिखाती हूं कि मैं दिन भर में व्हाट इज माय रूटीन फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। तो चलिए देख लेते हैं, शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट में मैंने लिए आज बनाया है अपने लिए ओवरनाइट ओट्स। इसमें कई चीज़ें मिलाई हुई हैं, इसमें दही है, इसमें नट्स हैं, सीड्स है, इसमें ओट्स है, रेजिन्स हैं, फ्लैक्स सीड्स भी आप इसमें डाल सकते हो। अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें आप इसमें डाल सकते हो, सारी चीज़ें एक दिन में डालनी जरूरी नहीं है। इसमें अपनी मनपसंद का फ्रूट भी डाल सकते हो, जैसे आजकल आम काफ़ी आने वाले हैं और काफ़ी टेस्टी भी होते हैं, तो आप उसमें आम डाल सकते हो या आप उसमें केला डाल सकते हो। इसमें नट्स और सीड्स डालने से आपको हेल्दी फैट भी मिल जाएगा और सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। इसमें क्रंच भी आएगा क्योंकि इसमें चिया सीड मैंने डाले हुए हैं। कभी हम इसमें रोस्ट करके फ्लैक्स सीड डाल देते हैं तो ये क्रंची भी बनता है और बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट बनता है। एक तरह से आप कह सकते हैं रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट है। आप रात को बना के रखें, सुबह कोई हसल वसल भी नहीं है, आप अपना उठाएँ और आप खुद भी खाएँ और अपने परिवार को भी खिलाएँ। तो ये जो एक ब्रेकफास्ट बनता है बहुत हेल्दी, बहुत ईजी और इसमें टाइम भी काफ़ी बचता है। बना के रखा हुआ होता है, कुकिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो और इस ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। ये इट इज़ आल्सो पैक्ड विद प्रोटीन एंड ऑल न्यूट्रिएंट्स। बाकी की डाइट में अगर मैं कहूँ तो हमें एक रेनबो की तरह जो रेनबो कलर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं, हरे नीले लाल पीले सब तरह के फ्रूट्स खाने चाहिए, सब तरह की वेजिटेबल्स खानी चाहिए, क्योंकि इनमें विटामिन, मिनरल्स, एंटी ऑक्सीडेंट, पाइथोकेमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनके अंदर एक बड़ी अच्छी हीलिंग पावर होती है। ये एनर्जी तो देते ही देते हैं और अगर कलरफुल फ्रूट्स हम खाते हैं तो ये सबसे इजी तरीका है सारे न्यूट्रिएंट्स को खाने का, क्योंकि जो फ्रूट्स के और जो वेजिटेबल्स के कलर होते हैं वो इसी कारण होते हैं कि उनके अंदर कोई ना कोई एक मिनरल या कोई ना कोई जो विटामिन होते हैं वो उनके कलर को वाइब्रेंट बनाते हैं। और जब हम उन चीज़ों को खाएंगे तो वो सारे विटामिन, सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे। इसलिए वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स खानी चाहिए, बदल बदल के खानी चाहिए। जो जिस मौसम में आता है उस मौसम में खाना चाहिए, वो ज़्यादा फायदा करेगा। अगर हम रेड कलर के वेजिटेबल्स फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये इनमें की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब कैंसर का रिस्क नहीं होता है। इसके साथ साथ डायबिटीज़ नहीं होने देंगे, हार्ट डिजीज़ से बचाएंगे और स्किन की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। इनमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि अगर हम इनको बदल बदल कर सुबह कोई, शाम को कोई, या आज कोई कल कोई इस तरीके से खाते हैं तो सारे न्यूट्रिएंट्स भी हमें मिलेंगे, सारे हेल्थ बेनिफिट भी हमें मिलेंगे। आप देखिए अनार है, जैसे अनार एक वाइब्रेंट रेड कलर का है, फ्रूट है, ये आयरन रिच होता है तो हमें हेल्दी तो रखेगा ही। ये कुछ एक चीज़ों के मैंने नाम लिखे हैं जो रेड कलर के फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं उनको हम शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं येलो एंड ऑरेंज कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं और हार्ट डिजीज़ के रिस्क को कम करते हैं। मतलब अगर हम ये चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और उसके साथ साथ ये हमारी आई हेल्थ को, आँख की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करते हैं, जिससे हमारी आई साइट भी इम्प्रूव होती है। इनमें विटामिन सी होता है और बीटा कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो बॉडी में जाने के बाद विटामिन्स में कन्वर्ट होते हैं
और हमारी आइट साइट बढ़ाने के साथ साथ सेल ग्रोथ में मदद करते हैं, सेल के वेयर टीयर को नहीं होने देते हैं, उनको हेल्दी बनाते हैं। और सिट्रस फ्रूट जो होते हैं वो ब्लड फ्लो को भी रेगुलेट करते हैं, तो इन्हें भी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। ग्रीन कलर के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जो नॉर्मली हम खाते रहते हैं, जैसे हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, हर कोई ये कहता है ये खानी चाहिए, इससे हमारी हेल्थ अच्छी होती है। इसके साथ साथ ये भी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं और जो एनर्जी लूज हो जाती है उसको रिस्टोर करते हैं। इनमें आइसोफ्लेवोनॉइड और विटामिन के होते हैं जो ब्लड के लिए, बोन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और इनमें बहुत सारी, आप सामने देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ग्रीन वेजिटेबल्स में आती हैं और वो हम खाते हैं, तो इनको भी शामिल करना चाहिए। ब्लू एंड पर्पल कलर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सीजनल होते हैं, जैसे बेरीज का कोई सीज़न होता है, जामुन का कोई सीज़न होता है, तो जब जिसका सीज़न हो, आलू बुखारे का कोई सीज़न होता है, जब जिसका सीज़न हो उसी सीज़न में इसको खाना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज के उतना फ़ायदा नहीं करते हैं जितना के फ्रेश और सीजनल जो होते हैं वो फ़ायदा करते हैं। इनमें भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो अगर इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा, हमारा डाइजेशन भी स्ट्रांग रहेगा, और ये स्किन के लिए अच्छे होते हैं, हमारी बॉडी को एक तरह से यंग रखते हैं, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, और इसीलिए स्किन भी अच्छी रहती है। अब बात करते हैं वाइट एंड ब्राउन कलर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की, तो ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं ये सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर को कंट्रोल करने की प्रॉपर्टी इनमें होती है, बोन्स को मजबूत रखते हैं, हार्ट के लिए अच्छे होते हैं, इनको भी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। हम करते क्या हैं कि हमें जो सब्ज़ी अच्छी लगी वही हमने चुन ली और उसी को खाते रहते हैं, बाकी सब कलर्स की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं, पता नहीं वो खाने में अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन नहीं, इन सब को शामिल करना चाहिए, और जब शामिल करेंगे तो डेफिनेटली हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि किस तरीके से इनको शामिल किया जा सकता है। ये देखिए मेरा लंच है आज का, और इसमें मैंने किनवा लिया है और थोड़ा राइस लिया है, उसके साथ सभी कलर के आप देख पाएंगे कि इसमें मैंने कैरेट लिया है, इसमें पम्पकिन लिया है, तो ये रंग बिरंगी सब्जियां मैंने इसमें डाली हैं। और पहले राइस को पका लिया और उसके बाद सब्जियां जो हैं उनको थोड़ा सा मोटा काट के उनको स्टीम किया है, ज़्यादा नहीं पकाया है, स्टीम किया है, और सब चीज़ को मिक्स करके उसमें मैंने पिंक सॉल्ट यूज़ किया है टेस्ट के लिए, और थोड़ा उसमें पनीर भी डाला गया है। तो देखिए ये इस तरीके से मेरा जो आज का लंच तैयार हो गया, इसमें मैंने साथ में लिया दही, इसमें बीन्स हैं और साथ में दही लिया है, तो ये एक तरह से परफेक्ट लंच हो गया, और इसमें ग्रेन्स भी हो गया, वेजिटेबल्स भी हो गई, फ्रूट्स भी हो गया, सब चीज़ मिला के, और ये एक मेरा जो आज का लंच तैयार हुआ। चलिए अब बात करते हैं डिनर की, तो डिनर में भी मैंने कोशिश ये की है कि मैक्सिमम सब्जियां जो हैं वो ली जाएं, रात के समय अगर अनाज कम खाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, वो डाइजेशन में थोड़ा सा इजी होता है अगर रात को अनाज नहीं खाएं तो। यहाँ मैंने सभी सब्जियों के साथ थोड़ा सा पनीर भी इसमें मिला लिया है, सब्जियां आप देख सकते हैं कलरफुल हैं सारी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाइट कलर के लिए गोभी है, पनीर है इसमें, इसमें येलो कलर में पम्पकिन है, रेड कलर में टमाटर है, ग्रीन कलर में बीन्स हैं, तो ये भी एक कलरफुल डिनर तैयार हो गया है। इसके साथ गर्म या चाहिए या ठंडा चाहिए उस हिसाब से मैं या तो सूप बना लेती हूँ या तो अपने लिए वेजिटेबल जूस बना लेती हूँ, और डिटॉक्स वाटर होता है, तो ये सब मिल मिला के हेल्थ भी अच्छी रखते हैं, एनर्जी भी मेंटेन रखते हैं, और परफेक्ट डाइट बन जाते हैं। तो देखा आपने, मैंने जो भी तीनों टाइम में जो भी खाया है उसके उसमें मैंने सभी चीज़ों को शामिल किया है, उसमें नट्स सीड्स भी शामिल किए हैं, उसमें सभी कलरफुल वेजिटेबल्स भी शामिल किए हैं, उसमें अनाज भी शामिल किया है, चाहे वो बार्ले का दलिया हो या ओट्स हो, ये चीज़ें मैंने उसमें मिलाई हैं, राइस भी मिला सकते हैं, मतलब मैंने ग्रेन्स भी लिया है, फ्रूट्स भी लिया है, वेजिटेबल्स भी लिया है, नट्स एंड सीड्स भी लिया है, और मेरा इसमें फैट के रूप में घी भी होता है थोड़ा बहुत, तो मैं इस तरीके से अपनी डाइट का ध्यान रखती हूँ। और ऊपर वाले की कृपा है, आप लोगों की दुआ है कि मैं बहुत कम बीमार होती हूँ, या मैं आप कह सकते हो नहीं होती हूँ बीमार, मैं हमेशा ठीक रहती हूँ, ऐसा मैं सोचती हूँ, और जैसा मैं सोचती हूँ मैं वैसे रहती हूँ। तो आई होप
आप इस तरीके से अगर समर में अपनी डाइट को चेंज कर लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। आप करके देखिए और मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।